आईपीएल की नीलामी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और आईपीएल में कई सारे खिलाड़ी इस बार नीलामी में ऑक्शन टेबल पर होंगे, लेकिन कई सारी टीमें आईपीएल में इस बार की नीलामी में ऐसी होने वाली हैं जो कि ऑक्शन से पहले ही बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी तीन टीमों के नाम बताने वाला हूं जो ऑक्शन में जाने से पहले ही बहुत ज्यादा सशक्त दिखाई दे रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पहली टीम जो आईपीएल ऑक्शन से पहले ही बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है वो पिछले साल की चैंपियन टीम है, मुंबई इंडियंस की टीम। दरअसल दोस्तों, अगर हम मुंबई इंडियंस के हर डिपार्टमेंट को उठाकर देखेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें अब किसी और एक्सपर्टीज प्लेयर की जरूरत है। सबसे पहले कैप्टेंसी, रोहित शर्मा वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ द आईपीएल इनके पास मौजूद है, तो वहां पर इन्हें दिक्कत नहीं होगी। बल्लेबाजी की बात करें, रोहित शर्मा टॉप ऑफ द फॉर्म T20 क्रिकेट में, क्विंटन डी कॉक वहां पर मौजूद है, सूर्य कुमार यादव एक इंडियन सपोर्ट इन्हें प्रोवाइड कर रहा है। अगर ईशान किशन फॉर्म में आ जाते हैं तो इन पर चांदी लग जाएगी, तो भाई ये एक नेक्स्ट लेवल थिंग अगर बैटिंग की बात करें तो कोर बना रहे हैं। अगर हम इनकी गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ भी राहुल चेहर है, जसप्रीत बुमराह, इन्हें विदेशी तेज गेंदबाज की जरूर जरूरत होगी नीलामी में, जिस पर ये लोग एक दो खिलाड़ी होंगे जिन पर तेज गेंदबाज होंगे जिन पर बिडिंग करेंगे, उसके अलावा इन्हें दिक्कत नहीं होने वाली है। और ऑलराउंडर्स की बात करें तो इंडियन कोर्स जो रिकी पॉन्टिंग बनाकर गए थे, कृणाल पंड्या, हार्दिक पंड्या, इन्हें बहुत तगड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुंबई इंडियंस की टीम डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा सशक्त टीम दिखाई दे रही है एक्सपीरियंस के रूप में, कारण पोलार्ड वहां पर मौजूद है। तो मेरे हिसाब से मुंबई की टीम कोई बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लेयर्स जो है नीलामी में नहीं खरीदेंगे, मुश्किल से तीन या चार खिलाड़ी या मैक्सिमम पांच खिलाड़ी, तीन या चार इनके लिए मैक्सिमम हो जाएंगे मुंबई के लिए, इससे ज्यादा प्लेयर इनके ये नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये पहले से ही मजबूत है। दूसरी टीम जो आईपीएल ऑक्शन से पहले बहुत ज्यादा मजबूत अकॉर्डिंग टू मी दिखाई दे रही है वो है भाई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। दरअसल दोस्तों, कोई कुछ भी बोल दे, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के पास कैप्टेंसी के रूप में एक नेक्स्ट लेवल की एक्सपर्टीज है महेंद्र सिंह धोनी की, क्योंकि धोनी वो खिलाड़ी है जो जानता है कि किस खिलाड़ी को कब कहां कैसे मौका देना है, तो एक आम दिखने वाली टीम को भी ये खास बना देते हैं। अब इनकी टीम आम नहीं दिख रही है, इनकी टीम खास ही दिख रही है, इसका रीजन भी सुन लीजिए, शेन वॉटसन कंफर्म हो गया है कि खेलने वाले हैं। तो अगर हम 2020 के आईपीएल की बात करें, इनकी बल्लेबाजी में इन्हें कोई भी डाउट नहीं होगा, इनके पास अंबाती रायडू होंगे, सुरेश रैना होंगे, धोनी खुद उतरेंगे, तो यहाँ पर इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑलराउंडर्स के रूप में थोड़ी सी फंसी हुई जरूर चेन्नई की टीम दिख रही है, भारतीय ऑलराउंडर्स केदार जाधव है, सपोर्टिव नहीं है, जडेजा अच्छे फॉर्म में है, एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की जरूरत होगी, डेविड विली क्या रहेंगे एक बड़ा सवाल होगा, लेकिन फिर भी अगर गेंदबाजी की बात करें तो स्पिनर्स इनके पास बहुत अच्छे, और आईपीएल में हमने पिछले साल देखा आपको स्पिनर्स चाहिए होते हैं, इनके पास ताहिर है, हरभजन सिंह है, साथ ही तेज गेंदबाज के रूप में इंडियन प्लेयर्स इनके पास है, तो आईपीएल में सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं इंडियन प्लेयर्स, इनके पास इंडियन प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, एंड दैट इज वाई हमें इन्हें इस लिस्ट में रखा है। हालांकि नीलामी में ये भी 5-6 खिलाड़ियों को खरीदने की कोशिश करेंगे, पिछले बार की नीलामी आपको याद होगी शायद एक ही खिलाड़ी शायद खरीदा था इन्होंने, एक के अलावा इन्होंने प्लेयर ही नहीं खरीदा था क्योंकि ये पहले से ही सशक्त दिख रहे थे। दोस्तों, तीसरी टीम जो आईपीएल ऑक्शन से पहले मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, यहाँ पर बहुत सारी टीमों के बीच कॉम्पिटिशन था लेकिन हमने रखा है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को। हैदराबाद की टीम के पास हर डिपार्टमेंट में प्लेयर्स है, सबसे बड़ी मजबूत चीज इनकी कैप्टेंसी, केन विलियमसन फाइनलिस्ट गए थे वर्ल्ड कप के और वन ऑफ द मोस्ट मेरे फेवरेट वाले कैप्टन रहेंगे केन विलियमसन। बल्लेबाजी की बात करें, जॉनी बेस्टो है, डेविड वार्नर है, केन विलियमसन है, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। थोड़ी सी दिक्कत है इनके पास भारतीय, अगर दो अच्छे भारतीय बल्लेबाज होते, लोकल गुड टैलेंट अनकैप्ड, तो ये नेक्स्ट लेवल टीम होती, लेकिन अभी भी दूसरी टीमों के कंपैरिजन में मजबूत है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो इनके पास वहां पर भी थोड़ी बहुत अच्छी फायर पावर दिख रही है, हालांकि यूसुफ पठान रिलीज होने वाले हैं तो वहां पर क्या होगा वो हमें नीलामी में पता लगेगा। एक दो अच्छे ऑलराउंडर सनराइजर्स जाएगी, गेंदबाजी इनकी दिक्कत नहीं है, राशिद खान है, मोहम्मद नबी ऑलराउंडर का रोल भी निभा लेते हैं, साथ ही इनके पास भुवनेश्वर कुमार है, खलील अहमद है, तो मेरे हिसाब से गेंदबाजी इनके लिए दिक्कत कभी रही नहीं है, इस बार भी नहीं रहने वाली है। तो सनराइजर्स हैदराबाद अगर हम पूरी टीम उठाकर देखें तो बस ऑलराउंडर्स की जरूरत है, तीन या चार या मैक्सिमम पांच खिलाड़ी जिसमें लोकल खिलाड़ी भी होंगे हैदराबाद की टीम नीलामी में खरीदेगी। तो भाई ये थी वो तीन टीमें जो आईपीएल के ऑक्शन से पहले, नीलामी की प्रक्रिया से पहले बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि ये सारी चीजें ऑन पेपर है, ऑफ द पेपर कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। दिल्ली कैपिटल्स भी बहुत मजबूत है, हमने इन्हें चौथे स्थान पर रखा है, लेकिन ऑन द फील्ड कुछ भी हो सकता है। फील्ड पे क्या होगा ये तो आईपीएल में ही पता लगेगा, उसके लिए हमें आईपीएल का इंतजार होगा। आपके हिसाब से
कौन सी तीन टीमें सबसे ज्यादा मजबूत है, कमेंट बॉक्स नीचे। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, अपनी तीन टीमों के नाम लिखिए, कारण लिखिए इस वीडियो को, लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।